इंटरेस्ट आ रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा होता है। ज्यादा कर दिया गया, इतना गंदा। ये देखो, अपने मुंह से कलर की तारीफ कर देते हैं, अभी तक किसी गाड़ी में डली नहीं है, पहली बार इसी में ट्राई किया जा रहा है। मन तो कर रहा है इसको ऐसे ही रख लूं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो फाइनली दिवाली ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ गए हैं, इतने दिन के बाद अब काम कंटिन्यू होने वाला है वापस से। और यार एक बार ना आप डे टाइम में भी लुक देख लो, हट जाओ यार, लोगों को देखने दो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देख के ना आप अलॉय छोड़ दो, बाकी देख के कोई भी नहीं बता सकता कि ये ओल्ड शेप की फॉर्च्यूनर है। पूरी लुक चेंज हो चुकी है, हालांकि अभी पेंट का काम बाकी है। फिलहाल हमारे पीछे से, वैसे मैंने मना किया था कि कोई काम नहीं छिड़वाना, लेकिन थोड़ा बहुत काम फिर भी इन्होंने करवाया है। तो हमारे पीछे से क्या काम हुआ है और आज क्या काम होना है वो सारी चीजें बता दो। आपके पीछे से हमारी भी छुट्टियां थी, हम भी दिवाली मना रहे थे, तो ज्यादा काम नहीं हुआ। बस कल हमने इसका बस अभी बेस कोट लगाना शुरू करा है पट्टी का, तो अभी जस्ट स्टार्ट ही करा है, पेंट जॉब स्टार्ट करा है। तो अब आप आ गए तो हम आपको, जनता को, सबको दिखा देंगे कि आगे हम क्या क्या प्रोसेस, किस तरह से इसमें काम करेंगे। तो ये जो पट्टी आपने भरी है, क्यों भरते हैं? ये बेसिकली पीवीसी पट्टी होती है, ये ना थोड़े से जो ढलक होती है, डेंट्स होते हैं, बहुत माइनर से डेंटिंग करने के बाद भी ना उसको काटने, मतलब पट्टी भरी जाती है, सो दैट इसको काट के इसके ऊपर एक सरफेसर का कोट आता है, सरफेस भी मिल जाता है। हाँ, तो उसके बाद पेंट अच्छे से इसमें मैचअप भी हो जाता है और पूरा प्रॉपर फिनिशिंग में आएगा। तो बेसिकली ना यहाँ पे पट्टी भरी गई है। अभी अगर आप देखोगे, जब मैंने पहले आपको दिखाया था तो यहाँ पे काफी डेंट और स्क्रैचेस वगैरह नजर आ रहे थे। इसको भरा इसलिए जाता है ताकि वो कवर हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर इसके बाद पेंट चढ़ना है, तो पीछे से वो जो डेंट है, स्क्रैचेस है, वो पेंट के पीछे से झलके ना। अभी तो ये सिर्फ पट्टी भरी गई है, इसके बाद पट्टी कटती है, उसके बाद तो ये सरफेस इतना स्मूथ हो जाता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कभी डेंट था भी। तो अभी तो ये जो पट्टी भरने का काम है, ये पूरी गाड़ी पे हो चुका है। और एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, जहां जहां पे मैंने दिखाया था कि डेंटिंग में थोड़े स्क्रैच डेंट्स वगैरह थे, वो सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। जहां जहां रिक्वायर्ड था वहां पे पट्टी भरी जा चुकी है। लेकिन अभी जैसे जैसे प्रोसेस फर्दर मूव करेगा, मैं आपको दिखाती रहूंगी। इसके बाद पट्टी कटने के बाद में बेस कोट डलेगा, और भी जो पेंट का प्रोसेस होता है, जैसे जैसे चलता रहेगा आपके साथ शेयर तो किया ही जाएगा। मैंने ना लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि ये जब डोर्स फिट हो रहे थे ना, तो गैप मैंने दो फॉर्च्यूनर्स के बीच में कंपैरिजन करके दिखाया था, एक जो कंपनी से आई थी और एक जो हमने बनाई है। तो उसमें से ना एक बंदे ने कमेंट किया था कि ये दोनों ही फॉर्च्यूनर्स आपने ही तैयार किया है। तो इधर आओ, आपका ये डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो सब लोग समझ चुके थे, लेकिन एक वो कमेंट है तो वो क्लियर करना भी जरूरी है। इधर आओ, ये जो फॉर्च्यूनर है ये मेजरली सिर्फ 10 दिन पुरानी है। देख सकते हो पनिया वनिया सब कुछ यहाँ पे इंटैक्ट पड़ी हुई है। ये तो नहीं बनाई ना, ये तो नहीं मानते हो। अब इसका गैप देख लो, देख रहे हो ना यहाँ पे, और उधर साइड दूसरी वाली का देख लो, यानी कि अपनी वाली का देख सकते हो, प्रॉपर गैप है। पीछे वाले डोर्स का भी दिखा देती हूँ, ये देखो, देख रहे हो, और इधर भी देख लो, ये देख सकते हो। तो एग्जैक्टली सेम गैप है दोनों गाड़ियों के बीच में। तो आप प्लीज ये चीज मत कहना कि अपनी बनाई हुई दिखा रहे हो। यहाँ पे भी देख लो और उधर भी दिखा देते हैं, ये देख सकते हो आप, डिट्टो सेम है। गैप यहाँ पे आपको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि कहीं भी पैनल गैप है ही नहीं। जितना कंपनी से आ रहा है एग्जैक्टली सेम है। अभी ना इस पे कुछ काम चल रहा है, तो इसका बोनट ओपन हो रखा है। जब ये बोनट बंद हो जाएगा तो इसका गैप भी आपको चेक करा दूंगी। सिर्फ 10 दिन पुरानी फॉर्च्यूनर है, इंजन वगैरह भी चेक कर लो, बिल्कुल ब्रांड न्यू ही है ये। इस पे कुछ काम होना है, उसके लिए आई हुई है। यार आजकल के टाइम में ना ये जो गाड़ियां होती है ना, ये हमारा दूसरा घर बन चुकी है। तो हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते टाइम ऐसा छोटा मोटा कचरा ना बाहर फेंक देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है, ये है इन्वॉल्व का डायमंड कार डस्टबिन, जो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है। और ये देखो, बहुत ही ज्यादा इजी है, ऐसे पुश करोगे और ये कचरा आप इसके अंदर आराम से फेंक सकते हो। और बहुत ही ज्यादा ना प्यारे से डिजाइन में आता है। इवन ऐसे अगर आप इसको कहीं पे भी रखोगे ना, तो देखने में भी प्रीमियम लगता है। उसके ऊपर से अपनी शेप की वजह से कहीं भी फिट आ जाता है ये। और ये ना चार बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स में आता है, गोल्ड, सिल्वर, रोज गोल्ड एंड ब्लैक। तो ये जो डस्टबिन है, आप इसको घर में, ऑफिस में, कार में कहीं भी रख सकते हो, और देखने में भी प्रीमियम लगता है। उसके ऊपर से आपको कचरा इधर उधर नहीं फेंकना पड़ता। और जब ये फिल हो जाए तो इस तरह से ओपन करके आप इसको पूरे ट्रैश कैन में या कहीं पे डाल सकते हो। तो अगर आप लोग ये परचेज करना चाहते हो, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मेरा कूपन कोड हर गैरेज यूज कर लेना, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था, पूरी की पूरी गाड़ी पे ना हर जगह पट्टी लगा रखी थी। अब यहाँ पे ना इनकी लैंग्वेज में जो कर रहे हैं ना, सैंड पेपर से बफ कर रहे हैं, इसको पट्टी काटना कहते हैं। और ये जो आवाज़ है ना, जेन्युइनली मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगती है, पर काम हो रहा है तो ठीक है। थोड़ी सी आप भी सुन लो यार, थी ना थोड़ी इरिटेटिंग आवाज़, मतलब ऐसा ना चुभती है कानों में मुझे तो। कई लोगों को नहीं अच्छी लगती, जैसे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और अगर आप देखोगे ना, जहाँ जहाँ पे गाड़ी पे ये पट्टी भरी गई है ना, वहाँ वहाँ पे रफ मार के ना अभी इसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। उसके बाद क्या होता है आगे आपको दिखाती हूँ।
और ये देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग ना नई शेप की विंडशील्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक किसी गाड़ी में डली नहीं है, पहली बार इसी में ट्राई किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो पुराने वाली विंडशील्ड यहाँ पड़ी हुई है और ये नई है, यानी कि टाइप 3 वाली नई शेप की विंडशील्ड है। ट्राई तो कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये काम हो जाएगा क्योंकि अभी तक कोई गाड़ी में डली नहीं है, बाकी भगवान भरोसा, आई जस्ट होप कि डल जाए, डल गया तो हमें भी बहुत खुशी होगी। बाकी अगर आप ग्लासेस देखोगे ना यहाँ फॉर्च्यूनर में, तो ये अच्छी चीज़ है कि ग्रीन टिंटेड आते हैं, धूप से ना काफी प्रोटेक्शन हो जाती है इस टिंट की वजह से। ये देख लो आपके सामने ना यहाँ पे मेहनत चल रही है, कोशिश पूरी है कि ये काम हो जाए, अगर ये इस हिसाब से फिट बैठ जाएगा ना तो ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, एकदम नया ही हो जाएगा। शायद ना ये आपको वीडियो में देखने में सिंपल सी चीज लग रही होगी, लेकिन ये सबसे टिपिकल काम है क्योंकि पहली चीज तो किसी गाड़ी में हुआ नहीं है ये, दूसरी चीज ये कि इतना सा भी एज अगर आप देखोगे, अगर वहां से भी गैप आ गया तो कोई मतलब नहीं है, गैप नहीं आना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग आनी चाहिए। ये जेन्युइन में देख लो, 4 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं इसको करने में। तो कल आपको ये जो फॉर्च्यूनर दिखाई थी ये रेडी हो चुकी है और भाई बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है जेन्युइन में देखने में। अपनी वाली भी ऐसी बन जाएगी ना? बिल्कुल ऐसी बनेगी, बस अभी पीपीएफ से पहले, जो आपकी गाड़ी में पीपीएफ होने से पहले कलर व्हाइट होगा, अदरवाइज लुक में 100% सेम ऐसी होगी, ये आपसे बात है। वो तो ऑफ कोर्स आरसी में व्हाइट कलर है तो व्हाइट ही रहेगा। 2 डेज लेटर फाइनली 2 दिन के करीब की मेहनत के बाद यहाँ गाड़ी पे ना पूरी गाड़ी पे पट्टी पूरी कट हो चुकी है। अगर आप ये देखोगे तो ये आपको मैट ब्लैक सी दिख रही होगी और इसके साथ साथ ना ये सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है। जैसे कैरम बोर्ड भी नहीं होता कि हम पाउडर डाल देते हैं तो बहुत स्मूथ हो जाता है, अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करके रखूंगी और कैरम खेलूंगी ना तो पाउडर वाला काम वैसे भी हो जाएगा। तो ये वाला काम पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अब इसके बाद बेस कोट डलेगा। इसके बाद बेस कोट डलेगा, इसका सरफेसर डलेगा बेसिकली इसमें, और फिर उसका प्रोसेस रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली हम अब इस गाड़ी को 2 दिन में फाइनल पेंट की पोजीशन पे आ जाएगी, ये पेंट हो जाएगी गाड़ी है। और हाँ, एक चीज और जो कि हमने अभी तक नहीं करते थे, हम ओल्ड फ्रंट विंडशील्ड ग्लास ही लगाते थे गाड़ियों में, तो अभी हमने इस वाली गाड़ी में जो हमारा प्रोसेस था वो सक्सेस हो गया है। हाँ। तो अब हम इसमें न्यू शेप का फ्रंट विंडशील्ड ग्लास भी डाल रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, वो हम ट्राई कर रहे थे फिट करने का, तो वो फिट हुआ नहीं था उस टाइम तक, लेकिन अब फाइनली फिट हो जाएगा। सो वेरी हैप्पी कि अब इसमें विंडशील्ड भी नई वाली शेप की डलेगी, न्यू शेप की होगी जी। आप देख सकते हो यहाँ पे ना पूरी ढंग से मास्किंग हो गई है, अब इसके बाद ना वो पूरी ग्रे हो जाएगी गाड़ी, बहुत सुंदर लगती है ग्रे होने के बाद। देखो अपनी फॉर्च्यूनर ना पूरी की पूरी ग्रे हो गई है, यहाँ पे ना गाड़ी पे जो कलर्स हमारे हैं ना पूरी ग्रे कलर में पेंट हो जाती है और ये ना बहुत सुंदर लगता है क्योंकि मैट शेड है ग्रे का, और ये कलर आजकल ना इंटीरियर्स में भी बहुत यूज हो रहा है, काफी प्रीमियम लगता है। ये तो हम अपने मुंह से कलर की तारीफ कर देते हैं, बट ये कलर नहीं है, ये बेस है, अस्तर जिसको बोलते हैं वो है, कलर जो फाइनल है वो लास्ट प्रोसेस में चढ़ेगा, अभी ये बेसिक काम है। फाइनली इनकी घंटों की मेहनत के बाद में जो फॉर्च्यूनर है पूरी की पूरी ग्रे हो चुकी है और बहुत सुंदर लग रही है, मन तो कर रहा है इसको ऐसे ही रख लूं, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं रख सकते हैं, हम ना इसको लेजेंडर बनाएंगे, जीआर स्पोर्ट्स बनाएंगे, तो उस हिसाब से इसका जो आरसी में भी कलर है वो व्हाइट है, तो हम इसको व्हाइट ही करने वाले हैं। बाकी यार अगर बाद में कभी मन किया कोई और कलर का तो रैप एक ऑप्शन है, लेकिन जो आरसी में एक्चुअल कलर व्हाइट है ना तो इसको भी हम व्हाइट ही कराएंगे। और एक बार ना आप इसकी लुक्स देख लो, इसको देख के कोई कह ही नहीं सकता है कि ये फॉर्च्यूनर नई शेप की नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्रेश लग रही है, बिल्कुल नई लग रही है, और पेंट होने के बाद तो इसकी पूरी लुक्स ही चेंज हो जाएगी। अभी एक्सेसरीज वगैरह इसमें इंस्टॉल नहीं हुई है, उसके होने के बाद ना अगर आप पास खड़े होकर भी देखोगे ना तो भी आपके लिए पहचान पाना मुश्किल होगा कि ये एक्चुअल में ओल्ड शेप है। इवन आप यहाँ से भी पूरी देख सकते हो, कम्प्लीट न्यू शेप की फॉर्च्यूनर है ये, और कहीं पे भी आपको गैप्स या अनइवन फिनिशिंग कुछ भी नजर नहीं आएगा, प्रॉपर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी आपको पता ही है कि ये पूरी की पूरी फॉर्च्यूनर ग्रे कलर में हो चुकी है, अब इसके बाद ना एक और पट्टी चेक होती है इसमें, वो इसलिए होती है क्योंकि ना यार देखा जाए तो पूरी इस पे रेग मार्क वगैरह यूज होता है तो थोड़े थोड़े स्क्रैचेस रह जाते हैं, तो एक और बार पट्टी वाला काम होता है, उसके बाद इस पे डलता है बेस कोट जो कि व्हाइट कलर का होता है। इस पोजीशन पे गाड़ी आ जाएगी उसके बाद में बेस कोट डलने के बाद में, ये फाइनल पेंट नहीं है, फाइनल पेंट से पहले वाला कोट है ये, उसके बाद इस पे फाइनल कोट डलेगा। कहने का मतलब ये है कि बेस कोट डलने के बाद अपनी गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी लगेगी। तो गुड मॉर्निंग भाई, आज नेक्स्ट डे है, कल आपको दिखाया था पूरी की पूरी ग्रे हो चुकी थी, सूखने वाला प्रोसेस पूरा ओवर हो गया, और आज फिर से पट्टी भरी जा रही है, उसके बाद ये पट्टी कटती है। ये कटेगी, पहले जो जो छोटे छोटे डेंट्स हो गए या कोई ढलक हो गई उसके लिए पट्टी चेक हो रही है, फिर इसको इसकी कटाई होने के बाद फिर इसका एक बेस कोट डालेंगे हम। ठीक है, जैसा वो व्हाइट मैंने आपको कल दिखाया था कि उसी प्रोसेस उसके बाद भी चेक होती है चेक पट्टी से, लेकिन अभी इसके प्रोसेस के बाद वो प्रोसेस पे पहुंचेगी। हाँ, उसके बाद लास्ट तो फाइनल कोट, फिर उसका फाइनल कोट तो है ही। तो ये देखो ना, ये पट्टी जो लगाने का प्रोसेस हम आपको दिखा रहे थे कुछ इस तरह से लगती है, उसके बाद ये पूरी ड्राई हो जाती है, देन वो काटते हैं। तो ये जो पट्टी ये लगा रहे हैं कुछ ऐसी होती है एनसी पट्टी।
The next day. So good morning. आज है next day. यार देखा जाए तो अभी तक काफी time हो चुका है. अपनी गाड़ी का जो paint है वो complete हो जाना चाहिए था, but थोड़ा सा ना मौसम ठंडा है तो जितनी भी coatings वगैरह apply हो रही है उसको dry होने में थोड़ा ज़्यादा time लग रहा है. वैसे most probably आज जो base coat है वो डल जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं, but देखते हैं जाके अभी क्या होता है. और आज ना गौरव मोटर्स की, गौरव भैया की जो शॉप है, जो वर्कशॉप है, उसकी 16th एनिवर्सरी है. 16 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में उनको काम करते हुए. तो मैंने सोचा यार केक वगैरह कटाते हैं, तो मैंने उनके लिए केक लिया और एक शैम्पेन की बॉटल ली है. मतलब अल्कोहल वाली नहीं, फ्रूट शैम्पेन जो आती है वो पिंक रेड कलर की, वो ग्रे फ्लेवर में हमने वो ली है. तो जाके वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, आपको भी दिखाऊंगी. ये वाली शैम्पेन है क्योंकि हम नॉर्मल वाली शैम्पेन पीते नहीं है. कल ना भैया ने बताया था कि आज जैसे एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा उनको सरप्राइज करते हैं. और ये मुझे ना बड़ी प्यारी लगी देखने में, इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट लगता है इसका मुझे, तो मैं ये भी उठा लाई फ्रूट वाली. मुझे तो इसका वेट है, ये फटनी तो चाहिए. हमारी ना एक बहुत ही अच्छा वीडियो वाला पार्ट मिस हो गया. यहाँ पे शैम्पेन ही शैम्पेन बिखरी हुई है जो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए. बहुत अच्छा शावर आया था बाद में. आपको 16 साल मुबारक हो. थैंक यू. हमारी फॉर्चुनर जल्दी बना दो. और ऐसे ही ढेर सारी गाड़ियाँ बनाते हैं. जी बिल्कुल. तो फाइनली गाड़ी ग्रे होने के बाद में जो पट्टी कटने का प्रोसेस था वो यहाँ पे कम्प्लीट हो गया. पानी से कटना था वो भी हो चुका है. यार ये इतनी स्मूथ हो गई है ना, मतलब मैं आपको कैमरा के थ्रू फील तो नहीं करवा सकती, बट एक्चुअल में जो मैं फील कर रही हूँ वो जरूर बता सकती हूँ. और बहुत ही सही और स्मूथ फील हो रही है. और इसी के साथ साथ ना अभी बेस कोट डलना स्टार्ट होगा, पूरी गाड़ी वाइट हो जाएगी एंड देन बारी आएगी फाइनल कोटिंग की. ये देखो यार यहाँ पे बेस कोट डलना चालू हो गया. अच्छा ये जो बेस कोट डल रहा है इसके बाद में सीधा फाइनल कोट डलेगा या कुछ और भी प्रोसेस बीच में है? अभी ये जैसे बेस कोट डल रहा है तो इसके बाद भी हमारे को फाइनल एक बार चेक करना पड़ता है बेस कोट के बाद कि कोई छोटा सा टक भी ना हो या छोटा मोटा कोई कमी ना हो. तो हाँ फिनिशिंग के लिए पूरा प्रॉपर चेक करके फिर उसके बाद हम फाइनल. इसको अभी एक दो दिन लगेंगे बेसिकली. इस प्रोसेस के बाद भी एक बार फाइनल चेक होगा, फिर पेंट का फाइनल प्रोसीजर आएगा. तो एक दो दिन बाद ही पेंट होगा कम्प्लीट. तो मान लेते हैं दो दिन बाद ये पूरी पेंट होके कंप्लीट हो जाएगी. हाँ दो दिन बाद. यस यस यस. तो ये एक साइड ना ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसको देखना ना बड़ा ही सेटिस्फाइंग है क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रे कलर पे व्हाइट पेंट डलता है ना बहुत ही अच्छा फील होता है. एक साइड से तो ये बेस कोट पूरा डल चुका है. अब यहाँ पे देखोगे तो जो ये रियर है यहाँ पे पूरा बेस कोट डलना स्टार्ट हो चुका है. मैं ना अभी ये चीज डिस्कस कर रही थी कि मुझे ये पेंट करते हुए देखने में ना बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा फील होता है. तो मैंने सोचा मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा होता है. मेरा भी काम इजी हो जाएगा, पेंटरों की बहुत जरूरत है, शॉर्टेज चल रही है, काम इजी हो जाएगा हमारा. चलो ट्रायल तो सही चल रहा है. ज्यादा कर दिया क्या? एक ही जगह पे नहीं रखना यार. ये मैंने पेंट का ट्रायल तो लिया, इतना गंदा. ये देखो यहाँ पे देखो पूरी गाड़ी में कहीं पे भी अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें हम कोई जिम्मेवार नहीं. एक जगह पे इतना ज्यादा पेंट डिस्पर्स हो गया कि वो ड्रॉपलेट्स बन गए हैं यहाँ पे. भैया भी कह रहे हैं यार आप यहीं पे खराब कर लो और जगह मत करना, मैं ही कर लूंगा. यार मेरा ना फर्स्ट ट्रायल था, हो जाता है थोड़ा, अगली बार से मैं अपनी गाड़ियाँ खुद ही पेंट करना स्टार्ट करूंगी. इनको नहीं कॉन्टेक्ट करेंगे. कोई नहीं, दो तीन दिन लगेंगे, हम सिखा देंगे. हमारे लिए ट्रायल ओके है. यार पीछे वाला पैनल करने के बाद में ना मैंने ये वाला भी थोड़ा सा पेंट किया. ये पीछे वाले से थोड़ा बेटर है लेकिन ये भी बड़ा ना मतलब प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं हुआ. कहीं कहीं पे हो रखा है पेंट अच्छे से, कहीं कहीं से ढंग से कवर्ड नहीं हुआ है. पर हाँ वो ड्रॉपलेट्स ही फॉर्म नहीं हुई और वो जो अजीब सी फिनिशिंग पीछे एक जगह पेंट इकट्ठा हो गया था ना वो सब नहीं है अभी. बाकी ये जो प्रोफेशनल वाला इतना सुंदर लुक आ रहा है यहाँ तक पहुँचने में अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा. तो फाइनली अपनी जो गाड़ी है उस पर बेस कोट डल के कम्प्लीट हो चुका है. ये कम्प्लीटली वाइट पेंट हो चुकी है यार, बहुत सुंदर लग रही है, एकदम वाइट ब्यूटी लग रही है. कम्प्लीट ही वाइट है अभी तो. हालांकि इसमें अभी तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, ब्लैक एलिमेंट्स ऐड होंगे कुछ कुछ जगह पे और एक्सेसरीज भी ऐड होगी तो और ग्रेस बन जाएगी. पर बाकी यार अभी इस पे ना एक और काम होना है, पट्टी चेक एक बार फिर से होगी. छोटी छोटी चीजें जो फिनिशिंग में इश्यूज लाती है इसको भी कैंसिल आउट करने के लिए फाइनल पट्टी चेक होगी. उसके बाद बारी आ जाती है पेंट की, यानी कि फाइनल पेंट की. मतलब मुझे पेंट करने वाला प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हमेशा से ही, कभी ट्राई नहीं किया, पहली बार ट्राई किया. मतलब इतना अच्छा मैं करती नहीं हूँ. मैं मन है मेरा कि मैं फाइनल पेंट में भी थोड़ा अपना हाथ लगा दूँ, लेकिन अगर अनइवन इस तरह की फिनिशिंग आएगी तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को एकदम बढ़िया दिखने वाला पेंट चाहिए. तो ये तो था अब तक का प्रोसेस जितना मैंने आपके साथ में शेयर किया. बाकी सारी चीज़ें जो जो इसमें आगे होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी.
तो कैसा लगा आपको ये पेंट करने का प्रोसेस? मतलब अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ये चीज़, तो मैं आगे भी ये सारी चीज़ें ट्राई करूँगी, कमेंट करके बता देना। तो बस यार, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।